दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी मूवी के बारे में जिसने की सिनेमा घरों में तहलका मचा रखा है। अपने कम बजट के साथ आई ये मूवी सिनेमा घरों में ऑलमोस्ट सुपर हिट हो चुकी है फिलहाल। अपने कम बजट के साथ आई इस मूवी ने दोस्तों बॉलीवुड की सारी मूवी को चौंका दिया है। तो दोस्तों मूवी का नाम है हनुमान। दोस्तों हमें सुपर हीरो बनने के लिए किसी जादुई शक्तियों की जरूरत नहीं होती, हालांकि जो दूसरों की मदद करता है वही सुपर हीरो होता है। फिल्म के विलन की माँ द्वारा सुपर हीरो बनने के पीछे अपने पागल बेटों को दी गई शिक्षा इस फिल्म का दोस्तों मुख्य संदेश है। तो दोस्तों फिल्म की शुरुआत होती है भगवान हनुमान की जन्मभूमि अंजनाद्री गांव में रहने वाले एक सीधे साधे व्यक्ति हनुमान से, जो कि अपने गांव में रहने वाली मीनाक्षी को बचपन से ही चाहता है और हर कदम पर उसकी मदद करता है। हालांकि दोस्तों मीनाक्षी पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बन जाती है, लेकिन हनुमान अब भी चिप चिप कर उसके चाहने के अलावा और दूसरा कोई काम नहीं करता। इसके चलते दोस्तों मीनाक्षी की बहन अंजुमा काफी परेशान रहती है। एक दिन जंगल में मीनाक्षी पर लुटेरे हमला बोल देते हैं, तब हनुमान दोस्तों उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है। और दोस्तों इसी दौरान हनुमान को एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जो कि उसे अजय बना देती है। दोस्तों हनुमान की शक्ति का पता चलते ही इस फिल्म का विलन, जो कि बचपन से ही सुपर हीरो बनने का ख्वाब देखता है, वो उसके पीछे पड़ जाता है। दोस्तों ये फिल्म आपको कोई मिल गया के जादू द्वारा ऋतिक रोशन को दी गई शक्तियों की याद दिलाती है। हालांकि दोस्तों उसमें ऋतिक रोशन को शक्ति जादू द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन इसमें हनुमंत को पौराणिक कथाओं से प्राप्त होती है। और दोस्तों इसके बाद क्या होता है यह जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि हालांकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है सो मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरीके से ये वीडियो आपको लग रहा होगा। तो अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और तो मैं फटाक से ही इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आता हूँ। सो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।